लॉकडाउन 4 में सरकार ने आंशिक राहत देते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध है, लेकिन एकेडमिक कार्यों की परमिशन जारी की जा चुकी है। सरकार के निर्देशों के बाद अधिकांश संस्थानों में फिर से काम शुरू हो गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हालांकि अभी 16 मई से प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए मनोरंजन और स्किल डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है। देखिए, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही सारी चीजें निर्धारित की गई है और उसी के अनुरूप ही जो है वो हैंड सैनिटाइजर का जो है सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण चीज है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 50% स्टाफ जो है वो बुलाया गया है। 50% स्टाफ में जो असेसनी कर्मचारी हैं, जो क्लर्क हैं या ऑफिस एडमिन हैं वो हैं, और जो पीएंस हैं वो हैं, बाकी जो गार्डनर हैं और गार्ड्स हैं वो उसी हिसाब से उसी अनुपात में सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए हैं। चूँकि अभी CBSE का स्पोर्ट इवोल्यूशन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, तो उसमें स्कूल से जो है वो कॉपीज घर के लिए भेजी जाती है, तो उसके लिए भी जो है हमको यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है और बाकी की जो गाइडलाइंस है जैसा सरकार समय समय पर दिशा निर्देशित करती रहती है उसी के अनुरूप ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई। आपने देखा होगा जगह जगह हमने मार्क कर रखे हैं और उन मार्क का मतलब यही है कि अगर पेरेंट्स, हालांकि सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन है, पेरेंट्स की जो क्वेरीज है, कई बार अगर ऑफलाइन भी पेरेंट अगर यहाँ कभी आ जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनको सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना में दूर दूर खड़ा रखा जाता है और उनकी जिज्ञासा शांत होने के बाद, उनकी क्वेरी शांत होने के बाद ही दूसरे पेरेंट्स को एंटरटेन किया जाता है।